भी गर्म हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर ही प्रयास करना होगा। एक व्यक्ति क्या कर पाएगा, एक व्यक्ति के हाथ में है कुछ नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जागरूक करें और उसके विषय में कार्य योजना होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में क्या कार्य करने हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दें तो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारा कार्य हो रहा है। तो हम लोग को ज़रूरत है कि किस तरह के कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हैं जो उसके साथ अगर हम लोग लिंक कर पाएँ कि ग्लोबल वार्मिंग में लोग काम कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में अकेले तो कुछ होगा नहीं, समूह से भी नहीं होगा, बहुत बड़े बहुत मास लेवल पे जो है काम करना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग में कुछ हम लोग असर डाल पाएंगे। अगर पृथ्वी गर्म हो रही है तो पृथ्वी सभी के लिए गर्म हो रही है, पृथ्वी ठंडी हो रही है तो सभी के लिए ठंडी हो रही है, तो भी इसका जो प्रभाव है सभी के ऊपर पड़ेगा। अगर प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा तो कार्य तो सभी को करना होगा, और कार्य तो कोई ऐसे फ्री में करेगा नहीं। अगर फ्री में कार्य करना होता तो अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है कि हम लोग को ना कुछ जानकारी है, ना इसके बारे में कुछ सोच है, ना इसके बारे में हमारी को अंडरस्टैंडिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो जिस प्रकार से हम लोग कार्य करें उससे हम लोग को रोज़गार मिले।